नमस्कार, आप देख रहे हैं दीसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कल यानी कि 30 अगस्त 2022 को हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन हिंदू धर्म की महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने के लिए ये पर्व करती है, इस व्रत को रखती है। तो अभी हम मौजूद हैं पटना के चूड़ी मार्केट में। आप देख सकते हैं पटना के चूड़ी मार्केट का नज़ारा कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है औरतों की। कल तीज है, इसको लेकर के महिलाएं जो है वो शॉपिंग कर रही हैं और तमाम तरह की उनकी तैयारियां चल रही हैं। आइए हम बात करेंगे, महिलाओं से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी तैयारियां जो है वो किस तरह से चल रही हैं। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं? हाँ, हो गई है। हो गई है। और जो बची खुची है वो कर ही हैं। अच्छा, व्रत रखती हैं आप? हाँ। तीज को लेकर की सारी तैयारियां पूरी हो गई आपकी? नहीं, अभी तो थोड़ी बहुत बाकी है जो मैं अभी कर रही हूँ। और ऐसे कपड़े वगैरह की मार्केटिंग हो चुकी है। बस और क्या। अच्छा, और कल क्या क्या करने वाली है ये बताइए। कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहीं पे मैं तीज करूँगी और पूजा वगैरह की जो भी तैयारियाँ हैं थोड़ी मैं कर ली हूँ, थोड़ी मेरी मम्मी कर ली है। अच्छा। जो बहुत ही अच्छी बात है। और मायके जाकर मैं पहली बार जा रही हूँ तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पहली बार मायके में तीज करें। हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी? शादी के कई साल हो चुके हैं, कम से कम 20-22 साल हो गए, लेकिन आज 22 साल में पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, तो शादी से पहले भी तीज का व्रत रखा करती थी? हाँ, शुरू से ही मैं रख रही हूँ। शादी जैसे ही हुई बस वैसे ही तीज करना शुरू हो गई। अच्छा, शादी के बाद। हाँ। आपकी सारी तैयारियाँ हो गई तीज को लेकर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। अच्छा, कल का क्या कुछ प्लान है आपका? कल का कुछ प्लान नहीं है, नए कपड़े पहनने हैं, सजने धजने हैं। हाँ, और मंदिर जाना है, पूजा करना है। अच्छा, घर में पूजा करती है मंदिर जाकर? मंदिर जाकर करते हैं। तो और अभी तैयारियां और बाकी है? जी हाँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, हाथ भी खाली है, अभी मेहंदी भी लगी। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। तीज को लेकर के सारी तैयारियां हो गई आपकी? हाँ, हो गई है। हो गई है। अच्छा, तो कल का क्या कुछ प्लान कर रही है? कल का क्या कुछ प्लान है, कैसे कैसे पूजा करेंगी, कैसे तैयारियां करेंगी? जो जैसे हम लोग के घर में होता है शाम में, जिस टाइम से मुहूर्त बनता है उस टाइम से 7 बजे से मुहूर्त बन रहा है, तो अच्छे से हम लोग 1 महीना पहले से तीज का तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और कल तीज है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है और बहुत अच्छे से पूजा करने वाले हैं हम लोग। बहुत विधि विधान से जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। हाँ, हो गई। हो गई। अच्छा, क्या क्या तैयारियाँ अभी बची हुई हैं ये बताइए। अभी तो लगभग हो गई है सब। कुछ हो गया। अच्छा, कल किस तरीके से पूजा करने वाला है? पहला पूजा है, जैसे लोग करवाएंगे वैसे करेंगे। अच्छा, पहला पूजा है। हाँ। तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। हाँ, शादी के बाद आप पहली बार? पहली बार है। एक्साइटेड? हाँ, काफी। खरीदारी चल रही है, तीज की तैयारियाँ पूरी हो गई आपकी? कर ही रहे हैं, तैयारी ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या बचा है अभी ये बताइए। अभी घर जाएंगे तो मीठा बनाएंगे, मीठा में प्रसाद बनाएंगे, ठेकुआ वगैरह बनाएंगे हम लोग। तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर कल हम लोग का पूजा है। कल सजना भी है। कल बस वही करना है और फास्ट भी तो करना है, बिना पानी के भी तो रहना है। बहुत कठिन होता है। बहुत, लेकिन करना है। अच्छा, और कल किस तरीके से तैयारियाँ आप करेंगी, पूजा करेंगी? कल हम लोग मिट्टी का गौर गणेश बनाते हैं, उसके बाद उसको सजाते वगैरह थे, फिर वहाँ का साफ सफाई करके फिर पूजा पर बैठते हैं, पंडित आते हैं, पूजा कराते हैं। अच्छा, लगभग 1-1.5 घंटे की पूजा चलती है हमारी। साड़ी औरत वगैरह आती है, गाना वगैरह गाती है, फिर अगर कोशिश करते हैं तो रात में जगते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। काफ़ी कठिन हो जाता है। हाँ, जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं। तो सुना आपने, हमने महिलाओं से बात की तीज को लेकर के, उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं ये महिलाओं ने हमें बताया। अब आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं तीज को लेकर के वो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।